ओके सो मार्वल ने शैंगची के डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रेटॉन को कंफर्म कर लिया है स्पाइडरमैन 4 को डायरेक्ट करने के लिए और इसकी फिल्मिंग भी नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगी। लेकिन पहले जहां स्पाइडरमैन 4 की कहानी डायरेक्ट नो वे होम के बाद से उठाई जानी थी, जिसमें कि पीटर का टीम अप डेयर डेविल के साथ होना था किंग पिन के अगेंस्ट, जहां पर किंग पिन न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनने वाला था। अब ये किंग पिन और न्यूयॉर्क सिटी का मेयर, अब ये चीजें हमें डेयर डेविल बॉर्न अगेन में होती हुई तो दिखेंगी, लेकिन अब स्पाइडरमैन में स्पाइडरमैन और डेयर डेविल का टीम अप नहीं होने वाला है, बल्कि स्पाइडरमैन 4 को लेकर काफी सारी नई एक्साइटिंग अपडेट्स निकल कर आई हैं। सो गाइस एक एक करके आपको वो सारी अपडेट्स बता देता हूं। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड एक्चुअल में सीन ये हो रहा है गाइस कि स्पाइडरमैन को लेकर मार्वल अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाया है कि ये इसके साथ करना क्या चाहता है, और इसका रीजन ये है कि फैंस दो ग्रुप्स में बटे हुए हैं। कुछ फैंस, मतलब बहुत से फैंस ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि स्पाइडरमैन 4 नो वे होम से भी बड़ी एक बिगर मल्टीवर्सल मूवी हो, लेकिन वहीं बहुत से फैंस ये चाहते हैं कि स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरो की एक स्ट्रीट लेवल, एक बहुत ही ग्राउंडेड मूवी आनी चाहिए, जो कि वैसे भी हमें काफी टाइम से देखने को नहीं मिली है, क्योंकि स्पाइडरमैन ग्राउंडेड एडवेंचर्स में ज्यादा सूट करता है। तो बेसिकली फैंस दो ग्रुप्स में बटे हैं। वेल, आप इनमें से किस ग्रुप के हो पहले तो आप मुझे यही कमेंट करके बताओ, और उसके बाद अब बात करें स्पाइडरमैन 4 के प्लॉट लीक की। तो भाई नो वे होम में हमने देखा था कि स्ट्रेंज के स्पेल के बाद सब भूल गए थे कि पीटर कौन है, इंक्लूडिंग डॉक्टर स्ट्रेंज एंड अदर एवेंजर्स अदर हीरोज एज वेल। इसके अलावा नेड और एमजे भी भूल गए थे। अब नेड, एमजे और पीटर के साथ ये कहानी चल रही थी कि उन्होंने हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया था और वो कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे थे, लेकिन उनके कॉलेज एप्लीकेशन के साथ काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि नो वे होम में दूसरे यूनिवर्स के सुपर विलन्स का आने का रायता जो फैल गया था। सो स्पाइडरमैन 4 में हमें इनकी यही कॉलेज एप्लीकेशन और दुनिया भर की यही बेसिक लेवल वाली जो कहानी है वो आगे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन अब आप ये सोच रहे होगी कि जब स्पाइडरमैन 4 डूम्सडे के जस्ट 2 महीने बाद आनी है और डूम्सडे में तो मल्टीवर्स को डॉक्टर डूम डिस्ट्रॉय कर ही देगा, तो 616 जब बचेगा ही नहीं, तो स्पाइडी की कहानी, पीटर की कहानी हमें ऐसे कॉलेज एप्लीकेशन और मतलब एक ग्राउंड लेवल पर देखने को कैसे मिल सकती है। वेल, यहीं पर तो बहुत बड़ा ट्विस्ट है दोस्तों। सबसे पहला जो ट्विस्ट है वो ये है कि डूम्सडे में तो स्पाइडरमैन कंफर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है, और क्योंकि अब सारे एवेंजर्स एंड पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स ये भूल चुका है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, ये चीज ना सिर्फ पीटर की पर्सनल लाइफ के लिए बल्कि खुद मार्वल मूवीज के एस्पेक्ट से देखा जाए तो उसके लिए भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जब पीटर का दूसरे एवेंजर्स के साथ टीम अप होगा तो भाई जब उन्हें याद ही नहीं है, वो बेसिकली ऐसे रिएक्ट करेंगे कि वो पीटर से पहली बार मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें कोऑर्डिनेशन वगैरह की बहुत ज्यादा कमी रहेगी, और डेफिनेटली ये मार्वल के लिए भी एक प्रॉब्लमेटिक बात है। सो गाइस इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए एवेंजर्स डूम्सडे में किसी पॉइंट पर डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल तोड़ा जा सकता है, यानी स्पेल टूटते ही फिर से सबको याद आ जाएगा कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। ये मार्वल के स्टोरी लाइन वाले एस्पेक्ट से भी अच्छा है और पीटर की पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है। वैसे भी यार आजकल लड़कियां सिंगल नहीं है, और पीटर को जैसे तैसे एक जो मिली थी वो भी उसके हाथ से चली गई, तो भाई अच्छा नहीं हुआ उसके साथ, उसको एमजे वापस मिलनी चाहिए। सो ओवरऑल डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल ब्रेक होगा, ऐसी अपडेट आ रही है, ये डूम्सडे में होने वाला है। और इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि जब डूम्सडे में मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो पीटर का 616 कैसे बचेगा। तो भाई इसका जवाब बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो एक्चुअल में होगा ऐसा गाइस कि पहली बात तो डूम्सडे बेसिकली डॉक्टर डूम के चारों तरफ रिवॉल्व करेगी, उसमें उसका ओरिजिन वगैरह काफी हद तक दिखाया जाएगा, और यस डूम्सडे में मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय तो होगा, बट कुछ एक यूनिवर्सेस ऐसे होंगे जो बच जाएंगे, एंड ये कोई थ्योरी या लाइक पॉसिबिलिटी नहीं है, ये एक्चुअल में कॉमिक्स में हुआ था, जहां पर मल्टीवर्स के लाखों यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो गए थे और फिर भी 12 ऐसे यूनिवर्स थे, 12 ऐसे यूनिवर्स थे जो बच गए थे। सो एग्जैक्टली मूवी में भी मार्वल ये चीज कर सकता है, यानी डूम्सडे का एंड आते आते मल्टीवर्स तो डिस्ट्रॉय होगा, बट 12 ऐसे यूनिवर्स होंगे, या ये नंबर चेंज भी हो सकता है, कुछ ऐसे यूनिवर्सेस होंगे जो कि बच जाएंगे, और उन्हीं में से एक यूनिवर्स होगा हमारा 616 यानी पीटर पार्कर वाला। अब ये चीज क्यों बहुत ज्यादा और भी सेंस बनाती, मतलब कॉमिक्स में तो हुआ ही था, प्लस मूवीज के एस्पेक्ट से कैसे और ज्यादा सेंस बनाती है वो आपको बताता हूं। ना सिर्फ ये चीज स्पाइडरमैन 4 के लिए सेंस बनाती है, बल्कि थॉर 5 और डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के लिए भी सेंस बनाती है। मैंने पहले आपको बताया था कि टेक्निकली देखा जाए, अगर लॉजिक लगाया जाए, तो डूम्सडे के बाद जितनी भी मार्वल मूवीज आएंगी सब की सब बैटल वर्ल्ड में होगी, एंड कुछ मार्वल इनसाइडर्स ने भी ऐसा ही एग्जैक्टली ऐसा कहा था कि अपकमिंग जो मूवीज है डूम्सडे के बाद आने वाली वो बैटल वर्ल्ड में होंगी, क्योंकि भाई मल्टीवर्स जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा किसी भी सुपर हीरो का कोई यूनिवर्स बचेगा ही नहीं, तो मूवी तो ऑलरेडी फिर भाई बैटल वर्ल्ड में होगी ना। बट क्योंकि कुछ यूनिवर्सेस डिस्ट्रक्शन से बच जाएंगे, जिनमें से एक अगेन हमारा 616 भी होगा, पीटर पार्कर वाला यूनिवर्स, हमारी मेन सीक्रेट टाइमलाइन,
क्योंकि ये उस टाइम पर डिस्ट्रक्शन से बच जाएगी। इसीलिए पीटर की अपनी कहानी इसी में एक स्ट्रीट लेवल पर आगे बढ़ती रहेगी, जिसमें हमें वही कॉलेज वाले चोचले और ये सब दिखाया जाएगा। बट किसी ना किसी लेवल पर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में डॉक्टर स्ट्रेंज को, स्पाइडरमैन 4 में पीटर पार्कर को और थॉर 5 में थॉर को, और भी इफ मार्वल की कोई मूवी डूम्सडे के बाद आती है तो उसमें, जितने भी ये सुपर हीरोज हैं इन्हें किसी ना किसी लेवल पर ये तो पता चल ही जाएगा कि भले ही उनका जो यूनिवर्स है 616 वो सेफ है, बट एक बहुत ही बड़े लेवल पर यानी मल्टीवर्सल लेवल पर कुछ तो अजीब है, कुछ तो एनोमलीज चल रही हैं। और वो जब इस चीज़ को एक्सप्लोर करने जाएंगे तब जाकर उन्हें ये पता चलेगा कि भाई मल्टीवर्स रहा ही नहीं, मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका है, सिर्फ कुछ एक यूनिवर्सेस बचे हुए हैं। और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर सारे के सारे हीरोज अलग अलग बचे हुए यूनिवर्सेस से रीयूनाइट करेंगे और फिर कहानी आगे जाकर सीक्रेट वॉर्स में बढ़ेगी। अब यहाँ पर भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज निकल कर आती हैं। अब क्योंकि कॉमिक्स में हमें ऑलरेडी इनकर्जन्स दिखाए गए थे, सो मार्वल अगर उसे एनिमेट करके मूवी में दिखाता है तो ये देखना बहुत ही ऑसम रहेगा। मतलब विजुअली कैसे मार्वल इनकर्जन्स को, यूनिवर्सेस को कोलाइड करते हुए कैसे दिखाता है ये देखना पहले तो बहुत ऑसम रहेगा। दूसरी चीज जो होगी, ये जो बचे कुचे यूनिवर्सेस होंगे इनके जो अलग अलग हीरोज होंगे, तो जब यूनिवर्सेस कोलाइड करेंगे तब ये आपस में आकर मिल जाएंगे और टीम अप करेंगे डॉक्टर डूम के अगेंस्ट सीक्रेट वॉर्स में, और मे बी सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 में अगर वो आती है तो। और एग्जैक्टली इसी वजह से हमें एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन देखने को भी मिल सकती है, जिसकी काफी ज्यादा र्यूमर्स चल ही रही है कि भाई ये मूवी भी आ रही है। और हाँ, ये तो कंफर्म ही है कि एक्समैन पर काम तो भाई चल ही रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि दूसरे जो यूनिवर्सेस हैं 616 के अलावा, जो कि मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन से बच जाएंगे, ये जब आपस में कोलाइड करेंगे तो इनके हीरोज एक्समैन, एवेंजर्स, बाकी सारे हीरोज ये सब आपस में आएंगे, ये सब कहीं ना कहीं मिलकर प्लान बनाएंगे कि भाई कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और इसी प्लान बनाने के चक्कर में भाई इतने तो सीधे आए नहीं सब कि एक ने कहा और सब मान ले, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे कहीं ना कहीं कि कोई कहेगा कुछ करो, कोई कहेगा कुछ करो। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते हमें यहाँ पर एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन मूवी भी देखने को मिल सकती है, और डॉक्टर स्ट्रेंज 3, थॉर 5 और स्पाइडरमैन की कहानी इसी तरह से डूम्स डे के बाद आने के बावजूद भी, स्ट्रेंज तो पहले आ रही है, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 तो पहले आ रही है, बट स्पाइडरमैन 4 और थॉर 5 में भी जब भी आए डूम्स डे के बाद, इसकी कहानी जब आगे बढ़ेगी तो वो हमें 616 पर एक ग्राउंड लेवल पर, एक स्ट्रीट लेवल पर होते हुए ही आगे बढ़ते हुए दिखेगी। बट यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, ये जो यूनिवर्सल बचे हुए हैं, लाइक हमारा ये जो 616 बचा हुआ है, ये बचा तो है बट कुछ ही टाइम के लिए, ज्यादा देर तक ये भी बचा नहीं रहेगा, तो इसीलिए सारे हीरोज का टीम अप करना जरूरी रहेगा और फिर ये सब आगे जाकर सीक्रेट वॉर्स में मिल सकते हैं। अब वही बात कर ले वेनम की सिम्बियोट की, पीटर के सिम्बियोट सूट की, ब्लैक सूट की, तो इसे लेकर भी अपडेट है, काफी तगड़ी अपडेट है ये भी। वैसे मैं वेनम द लास्ट डांस और नल को लेकर पिछली दो वीडियोस तो ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन एक और नई अपडेट यहां पर निकल कर ये आ रही है, क्योंकि कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स के इवेंट में ही पीटर को पहली बार उसका सिम्बियोट सूट ब्लैक सूट मिला था। सो एग्जैक्टली यही चीज, और क्योंकि भाई वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर में अब नल भी कन्फर्म हो चुका है, मैंने आपको ये भी बताया था कि टॉम हार्डी को न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स में शूटिंग करते हुए देखा गया है, सेट से कुछ फोटोज लीक हुई थी, तो ये तो अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि वेनम एमसीयू में आने वाला है। द लास्ट डांस के पोस्ट क्रेडिट सीन में मोस्ट प्रोबेबली वो एमसीयू में आ जाएगा, नहीं भी आता है तो उसको छोड़ो, वेनम का एक पीस तो ऑलरेडी एमसीयू में छूट ही गया था जब नो वे होम और वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में वेनम एमसीयू में आकर वापस चला गया था। तो जो भी हो, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, कुल मिलाकर वेनम तो एमसीयू में एग्जिस्ट करता भी है प्लस नहीं भी करता है, अगर मार्वल उस चीज को, उस स्टोरी लाइन को इग्नोर करेगा तो भी। वेनम द लास्ट डांस के पोस्ट क्रेडिट सीन में एडी और वेनम ये दोनों एमसीयू में आने वाले हैं पीटर को ढूंढने। तो जो भी हो, पीटर को सिम्बियोट तो मिलेगा, ब्लैक सूट तो मिलेगा, जिसे वो सीक्रेट वॉर्स में यूज भी करेगा अपने एडवांटेज के लिए, लेकिन सीक्रेट वॉर्स के बाद जब आगे जाकर मार्वल के नेक्स्ट सागा में स्पाइडरमैन 5 आएगी, वहां पर पीटर वेनम के नेगेटिव इफेक्ट्स को भी रियलाइज करेगा। वो ये समझेगा कि सब कुछ पका पकाया ही नहीं है, वेनम के इस सिम्बियोट सूट में काफी सारी खामियां हैं जो कि उसकी अपनी मेंटालिटी और अपनी पर्सनैलिटी पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स डालेंगी, ठीक उसी तरह से जैसे टोबी के स्पाइडरमैन के साथ हुआ था। पहले तो उसे सिम्बियोट सूट यूज करने में बहुत मजा आ रहा था, बाद में जब उसने देखा कि वो उसका गुस्सा बढ़ाता है, उसे और वायलेंट बनाता है, तब जाकर उसने सिम्बियोट को रिजेक्ट कर दिया, और इसी वजह से सिम्बियोट की टोबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन से फाइट हुई थी जिसमें उसका बेस्ट फ्रेंड मारा गया था। और एग्जैक्टली कुछ इसी तरह से
पीटर सीक्रेट वॉर्स में तो वेनम का यूज कर लेगा, बट जब बाद में वो उसे रिजेक्ट करेगा स्पाइडरमैन 5 में, तो उसके इस रिजेक्शन से गुस्सा होकर वेनम एक दूसरे होस्ट को पकड़कर उस पर अटैक करेगा। यानी तब जाकर स्पाइडरमैन 5 में जाकर हमें क्लासिक वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन वाली क्लासिक स्टोरी लाइन आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेगी एकदम बिल्कुल सुकून से। प्लस इफ आप ये जानना चाहते हो कि नल का कैसे क्या होगा, कैसे वो एमसीयू में आएगा, आएगा भी या नहीं, सो आप मेरी चैनल पर लास्ट के वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। दो डेडिकेटेड वीडियोस उस टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने बना लिए थे। सो गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि कैसे स्पाइडरमैन 4 डूम्स डे के बाद आने के बावजूद भी एक स्ट्रीट लेवल मूवी होने वाली है। ऑल्दो इसमें डेयर डेविल वगैरह से टीम अप तो नहीं होने वाला, इसमें पीटर की उसकी पर्सनल लाइफ को ही आगे बढ़ते हुए दिखाया जाएगा और भी काफी सारी चीजें होंगी, लेकिन मूवी का एंड आते आते ये मूवी भी एक मल्टीवर्सल एस्पेक्ट पकड़ ही लेगी, क्योंकि अल्टीमेटली भाई सभी हीरोज को सीक्रेट वॉर्स में आना ही है, तो जितनी भी सोलो मूवीज आएंगी वो कैसी भी हो मल्टीवर्सल एस्पेक्ट पकड़ ही लेंगी। सो गाइज, वीडियो इफ आपको अच्छी लगी तो उसे करके लाइक, चैनल कर लीजिए सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस, आने वाली मार्वल अपडेट्स आपसे कभी मिस ना हो। सो गाइज, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।